गोविंद भगवान की ओ जनांगले हाय बेरी बेरी गुड गुड भैया हनुमान जी लंका में घूमने लगे। भगवान शंकर से भवानी बोली, महाराज चार बार मंदिर लिखा है तो इसको भूल नहीं कहते, ये तुलसी बाबा ने जान के भूल किया। भगवान शंकर बोले, देवी एक बात सुनो, चार बार मंदिर लिखा किस लिए? क्योंकि हनुमान जी संत नहीं है संता, हनुमान जी संत नहीं संता हैं। हनुमान जी महाराज लंका में ए जी के घर में सत्यनारायण कथा हो जाए, जी के घर में सात कुंवारी कन्या खा ले, जी के द्वारे पर 10-11 साधु आग जूठन गिरा दे, जी के द्वारे भगवान के कथा हो जाए, जी के द्वारे अत्य अत्य बढ़िया बढ़िया श्रोता इकट्ठा हो जाए, तो वो घर घर हुआ है। हनुमान जी तो संता है, इसलिए संता इसलिए लिखा है तुलसी बाबा ने, यही घर मां हनुमत चाली जावई चली जावई सो घर मंदिर क्यों ना कहावई घर अपने घर में हनुमान जी का कदम पर जाए, रावण के सारे पाप नष्ट होते चले जा रहे। हनुमान जी सोचा सीता जी का ढूंढ ली, मैया जी का ढूंढ ली, अब ये भैया हनुमान जी महाराज घूमते चले गए। रावण के यहाँ पर कतनी नारियां हैं, 14 सहस सुनांग कुमारी, जहां तहा कनक लता सम डारी। अब तीन जने बैठो, अब सब जने अपने अपने जगह पर लेट जाओ, तो यू मान दी कि 12 बंकी भरे के अलवर बोरियां परी हैं। और जहाँ पर 14,000 औरतें हुए रावण रहे, 1,00,000 पुत्र रहे, 1,25,00,000 नाती रहे, इतना परिवार जहाँ पर लाटा हो, तो कह या कदमी कहा जा ढूंढो, तो बताओ 4-6 दिन तो ढूंढा ढाड़न लागी भाई, और फिर पहचानो है ना आधार कार्ड रहा नहीं। तब हनुमान जी ढूंढा ढूंढा कहते हैं कि रावण के भवन पहुंच गए, जहां पर रावण लेटा था। हनुमान चाह जाती तो रावण कहे हमारे डरती सो तुम कम दम रहे। हनुमान जी के गुस्सा लाए, मारी ना का भाज तरब उतरा फाट जाए, लेकिन हनुमान जी का याद आएगा कि भगवान कहे ना इतना ही करो ता तो तुम जाई सीता केर कहो सुधि, क्यों सुध लाना है बल्कि लफड़ा झगड़ा नहीं करना है। तो हनुमान जी सोचा ला का भगवान के कारज में बिगड़ जाए ना, अब इनका निपटा दी थे हम। लेकिन अब हनुमान जी बड़े सोचदार, जौन काम अगर भगवान को करवाना है वो काम अगर हम कर देते हैं तो भगवान का कोई ना मानी, लोग हमें मान बैठे। अपने प्रभु का जौन आदमी अपने प्रभु का मान बढ़ाता है, वही का मान परमात्मा बढ़ाता है। जौन औरत अपने पति को गिरावा चाहत है, वह औरत अपने आप ही गिर जात। जौन औरत अपने पति को ऊंचा बढ़ावा चाहत है, वही का ना तो पाछे पाछे आप ही आप बढ़ जात। आदमी डॉक्टर है वही पत्नी डॉक्टर बिना कहे, आदमी मास्टर हो कंडा पत्ती हो कार मटर चाची, आदमी नेता होए वही का हो गई नेता ही नहीं, और आदमी जो कहूँ नारद है तो वो ही हाँ। लेकिन अब तो देखो जयमाल में ही हाँ, वही उनका हराए दे तो वही उनका हराए दे, तो वही ब्यूटी पार्लर मुँह छोलाए हैं तो वही गे अमीनाबाद मुँह छोलाए हैं, बने तमाशा बैठे हैं, ये मानते हैं बांगर मऊ से आए हैं बहे है नहीं। अब हो रहे सट्ट सट्ट माछी लगे हैं, वो जब मुँह छोला जाए तो करिया तो हो भाई करी, लड़का लड़की का हरा रहा, लड़की लड़का का हरा रहा। अरे भगवान ने जो तुमको सूरत दिया है इसी सूरत पर चलो, जो सूरत भगवान ने दिया है, सूरत कम दिया तो कहाँ करे, कम से कम ज्ञान और बुद्धि बल विकास हो चाहिए। सूरत से क्या मतलब है, ये तो है चमड़ा मेरे भाई, चमड़ा को सुंदर बनाओगे वो तो नहीं करिया हो बात। हनुमान जी महाराज ढूंढते ढूंढते भैया हनुमान जी का सीता मिल का ही नहीं रही, यहां बात सुन लो, हनुमान जी का सीता मैया का दर्शन नहीं हो रहा, कोई भक्तों नहीं मिल रहा, कबो कबो देखे हो अरे कहीं चालू गल्ली मालूम है, और जब बक्के गे डिकोलिया करे भलमा तब तो कहने यार अब कोई मिलतो नहीं, को कहाँ कहाँ यार कैसी आए कहने कहाँ है, को हिरम पाटी पर ना वो सही ले देखे भिट्ठा दिखाई पड़ा। अरे कहा हो भैया कोई जना हो,
कहने कहाँ जवैया हो, कहन जवैया हन मरमरापुर, मरमरा नहीं अलमापुर कहो। अच्छा तब उठा कोई कहला भैया ऐश करो यह गली चले जाओ इधर अलमापुर परी, जल्द बतावा। हनुमान जी का 4 बजे वाला है, कोई भी पता निशान ना मिला। तब हनुमान जी का ध्यान आवा, क्यों सीता जी का दर्शन क्यों नहीं पा रहे हनुमान, कोई भी पता नहीं मिल रहा, सवेर होने वाला है, सवेर होगा हनुमान जी का भेद खुल जाएगा। चोरी काम रात 12 बजे बात सप्लाई करना है। तो हनुमान जी का तैले याद आवारी, राम राम मैंने भगवान को विसार दिया, मैंने अपने प्रभु का विसार दिया। तो जैसे हनुमान जी खड़े हो गए, राम नाम कपि सुमिरन लागा, राम नाम कपि सुमिरन लागा, ताही समय विभीषण जागा। किया कौनी मगरूडी में बिसारे हो हरि नमवा, जैसे राम का नाम उच्चारण किया तो क्या देखा, साना मुख तुलसी वृक्ष लगायो। जैसे हनुमान जी ने राम का नाम लिया तो कहूं जाग नहीं पड़ा, सामने देखिन तुलसा क्यार बिरवा लाग, और दरवाजा पर याग पल्लव लिखा है, राव याकब लिखा है, मां वहां पेंट से ने रंगा है, तुलसी बिरवा पहचान हो थे। चाहे अभी गयन तो कोई गांव को नहीं है भैया, अभी गयन धरा भिट्ठो बना कोई दुआरे, खाली जिनके वहाँ कथा हो तो उनके वहाँ नहीं जाए तो भैया हमारे काम बिगड़ जी, वहन दुआरे चाहे जो गायन, बाकी गयन कहूँ नहीं, बलौआ तो बहुत आए लेकिन पहुँचन नहीं कहूँ, बहुत बलौआ भैया आप तो एक जगह खाना बनगा रहा है लेकिन गायन नहीं हो, देखो देखो भाई गिल्ला ना हो जाए, अरे भाई गुस्सा वसाए ना भाई देखो, तो हम गायन कहूँ नहीं है लेकिन हमका चाह जी के द्वारे ले चलो, हम तुरंत बता दे धान में घर हुआ है, जी के आंगन में यहाँ जी के दरवाजे पर तुलसक बिरवा लाग हो, दरवाजे पर लिखा ओम श्री गणेश महाराज सदा सहाय, लक्ष्मी जी सदा सहा भगवान विष्णु भंडार भरें, दरवाजे पर बढ़िया गौरा गणेश लक्ष्मी दुर्गा सबके फोटो कैलेंडर लाग हैं, तो बिल्कुल बिन कहे समझ जाओ जय गुरुदेव से आगे है, जान जाओ धार्मिक घर हो है? और दरवाजे पर जाओ तुलसी बिरवा का पता नहीं, न गौरा गणेश न लक्ष्मी, लक्ष्मी गौरा गणेश हनुमान व बजरंगी अरंगी बजरंगी जंगी भरंगी कोई नहीं है। द्वारे पर गए तो कहा देखें, देखो तो कहा देखो, सर्कस वाली खड़ी है रवीना टंडन, लोहा पिक्चर वाला फोटो लाग है, बताओ तो तुम बिने कहे जान जाओ कि वो बहुत अंग्रेज गांव है, बहुत अंग्रेज। हनुमान जी ऐसे देखा तुलसी का वृक्ष देखा तो हनुमान जी समझ गए कोई धीरज होगा, कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं होगा। विभीषण जी एक पल्ला पर रा लिखा था, एक पल्ला पर माँ। एक दिन रावण को शंका थी कि विभीषण दगाबाजी करेगा, तो रावण ने लिया तलवार और रात 12 बजे गया विभीषण के दरवाजे पर, पल्ला रहा है बंद, दिन भर पल्ला खुला रहा है तो रा वैसी माँ वैसी, और रात में जब पल्ला बंद हो तो राम सीध हो जाए और रात में विभीषण जाप करे। रावण लात मारी दरवाजा में, दरवाजा खोलो, विभीषण निकले, क्या बात है तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। विभीषण जी समझ गए अगर कह दिया लीत है ना हो तो कहाँ कह लिया हो तो मारी खोपड़ी छान दलगट गिरी जाए, बिंद्रावन में जो रहना है तो राधे राधा कहना है। तो रावण बोला भैया नाव लीत है लेकिन यू तो कभो ध्यान नहीं दियो कि नाव लीत की का है। रावण बोला किसका नाम लेता है, ये तो न मेरे दुश्मन का नाम है। विभीषण बोले दुश्मन दुश्मन नाम कुछ नहीं महाराज, समझ नहीं पायो, और भैया के हैं छाड़े कहाँ जाओ भला, अच्छा गलत हो तो मार डरे हो और सही हो तो तनी एक रंग पेंट थे रंगवा दी हो। तब विभीषण बताने लगा
रासे रावण नाम तुम्हारा है कि नहीं रावण? तो बताओ कहाँ गलत करी थे? रासे रावण नाम तुम्हारा और माँ से मंदोदरी पुकारा, माँ से मंदोदरी पुकारा, भैया भाभी नाव नाली तो की का नावली। रावण कहला बहुत अच्छे का पेंटल भरे पेंट पतवाए दिया। देखो समझाओ बात है भैया, रावण की बुद्धि को इधर उधर कर दिया। आज हनुमान जी की नजर पड़ी, हनुमान जी सोचा कोई भक्त का ही दरवाजा होगा। तुलसी के बिरवा वह एक दुआरे ऐसे पर हारा मिली जौन बहुत पक्का भगवान के भक्त हुई। तुम चाहे पता लगा लो कोई चिकवक दुआरे तुमका बकर चिकवक दुआरे तुमका कोई तुलसी बिरवा हराना मिली, चाहे रोल लगाओ रोज सुखा जी भाई मेरे, क्योंकि उनके यहाँ कई काम है। पूछो के बकरा मारते हो तो कहाँ थे कहाँ हो, कहीं पाप नहीं लागत, कहीं जब मारे थे तो इके पहले जाऊंगा कह दी थे इल्लिल्लाह बिस्मिल्लाह कहाँ कह दे नमीलाल मारे पहले कहा कह दिए या तो कुर्बानी हो जा रही है, कहीं इनकी आत्मा जिंदम जल हम वैकुंठे भेज दे, कहीं कहा कह दो कहीं जा बिस्मिल्लाह पधर जो का जो टो 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 पाप लगवे नहीं करी मेरे बंधु। देखो भैया अब जब हनुमान जी राम का नाम लिया विभीषण जाग गए। क्यों? विभीषण का यहाँ मालूम होगा, विभीषण जी का मालूम होगा कि कोई भगवान का भक्त ना होता तो मेरे दरवाजे पर हरि का नाम नहीं लेता। विभीषण रोज यहाँ गावा करते हैं गाना कि तब 32 दांतों के बीच में जीभ रहती, नाम बोल दें 51 रुपया सुरेंद्र यादव भैया उत्तर कोटरी से, 100 रुपया हमारे मलहे भैया मनसापुरवा से, 501 रुपया रामू भैया हमारे भैया मनसापुरवा से, 21 रुपया शिव बालक भैया मनसापुरवा से, 20 रुपया श्री ठाकुर प्रसाद भैया हमारे दरामा से, 20 रुपया अनंतराम कश्यप भैया दरामा से और 11 रुपया पवन कुमार भैया हमारे सदारी पुर से भगवान के चरणों में दान। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। विभीषण जैसे 32 दांतों, पहले दादा लोग हमारे गावा करते रहे, जब संजय खाना ना खा लेटे तो पोता कहें महो बाबा लेट, तो कहें भैया पढ़ाओ रघुपति राघव राजा राम पता न पावन सीता राम, है नहीं यह गावा कत रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत, रघुपति राघव राजा राम पता न पावन सीता राम, जत्ता पैसा वत्ता, है ना यू गावा करें। तो विभीषण जब रात में लैटर रहे तो खाली यह करते रहे अत्य कि महाराज 32 दांतन बीच में जैसे जीव रहते है वैसे हम रहते हैं। अयो बताओ महाराज, स्वामी लिया हो कब खबरिया गरीबन की, स्वामी लिया हो कब खबरिया गरीबन की, कब खबरिया गरीब ये बात। ये केवल लंका किसने जलाया? विभीषण के जाप ने। लंका किसने जलाया? रावण के पाप ने। लंका किसने जलाया? सीता के संताप ने। लंका किसने जलाया? हमारे बाप ने। लंका किसने जलाया? लंका जलायो बाज रंग बली बाबा, लंका जलायो बाज। लेकिन सब परिगवा
बच गई मड़ैया यार विभीषण की, हाँ बच गई मड़ैया विभीषण की। स्वामी लिया हो कब खबरिया विभीषण जी जागे तो दरवाजा बंद थे, दरवाजा बंद थे। विभीषण उठे धीरे से खुंडी का पल्ला, अब कुछ रावण के गुप्तचर हो बाहर उधर रहे नहीं, ऊपर जितना उधर घूम रहे हैं, देख रहे हो। तो हनुमान जी धीरे से पल्ला खोला, विभीषण ने पल्ला खोला तो हनुमान जी को लपत भीतर बुला लिया और फिर से पल्ला बंद कर लिया। जब दरवाजा पल्ला बंद कर लिया, आप बैठी बैठा भाई हाल चाल भा सब कुछ भा, कहाँ से आयो कहाँ ना हो, और भैया तुम्हारे मुझसे राम नाम निकला, ओ भैया तुम का नाव तुम्हार का नाव है कितना का भवा। तो अब लकड़ी कटी जब है, जब लकड़ी की भेंट लागी तब है, तो विभीषण हो गए लकड़ी के यार भेंट हो, हनुमान रहे कुर्री लुआ कुर्रे एकदम नहीं जब काट डरे जेलो मैं लकड़ी के यार भेंट न लागी, तो विभीषण बन गए लकड़ी के यार भेंट हो ना भैया। अब लकड़ी जब भेंट बन गए बातचीत भय, तो विभीषण रोवेला, विभीषण रोने लगे। हनुमान जी बोले भैया एक बात बताओ मैया सीता का दर्शन कैसे होगा। तब विभीषण बोले आज हमका भरोसा भा है कि हमरे भगवान के भजन मत्ती दम है। अब मोहे भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलई ना संता। बिना भगवान की कृपा से साधु के दर्शन नहीं हो सकते। सारी बात बताया हनुमान जी ने, बताया पूरी बात। तो विभीषण ने कहा देखो भैया हनुमान सीता लंका में है नहीं। तो हनुमान जी बोले हम तो ढूंढ के मर गए नहीं है, अरे हिया नहीं है सीता है लंका के बाहर एक अशोक वाटिका है, हमरे आपकी जीवन की बगिया कहे भैया कई बगिया है कई बगिया हैं रतम नहीं आवत है का दूध दे दुधहा कहीं अंगूरी कहाँ देखी हैं। अब वही रुक जाओ वही तो आंखी नचते वाली मेढ़ा नाची, हमारे आपकी जिंदगी की बगिया हैं तीन, कोई पूछे तो जवाब दे दो। तीन बगिया हैं, याग हो गए फूल बाग, का हो गए फूल बाग की का कहते हैं बचपना, कहें भाई फलाने के जवानी जिंदगी जो है फूल है ऐसा है कि नहीं। तो याग हो गए फूल बाग और द्वासर कौन हो गए फल बाग। ये जवानी है इमा चाहे जौन खा लो चाहे जौन पी लो और चाहे कोस भर भाग जाओ या हो गए फल बाग। अगर ये जवानी में यहाँ तुम कोई फल ना कमाए पाओ और जवानी में अगर पैसा ना इकट्ठा कर पाओ तो तीसरे बाग या कौर हो गए है वह हो गए है दुख वाली बाग। सीता जी की सीता मैया को तीनों बागें मिली, पहले मिली पुष्प वाटिका, उसके मिली अशोक वाटिका और जब अयोध्या मई तो उसके बाद कजरी भर पूरा जंगलों ही मिलेगा, ले पूरा जंगलों ही मिलेगा और फिर जंगल से निकल अब आसान रही। सीता लंका में नहीं, अच्छा रावण अशोक वाटिका में सीता जी को क्यों रखा था या लंबी कथा है भैया। विभीषण ने कहा कि वहां पर जाने के लिए जानते हो हनुमान बिना सुहाग की कौन्यू नारी, बिना सुहाग की कोई भी स्त्री सीता के पास नहीं जा सकती, ये रावण की कानून है योजना है।
और जो कोई बिन सिंदूर के वहां पर पहुंचे तो इका तुरंत वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बनुआ है। अब एक काम करो, कोई लंका में सती हो अगर वह सुहाग अपन दे दे तो दर्शन पई हो, और नहीं तो वही से लौट के यहां जई हो। जो सिंदूर हनुमत ना पई हो रावतपुरी ऐसे ही तुम जई हो। तो अब हनुमान जी से पूछने लगे, कहा भैया एक बात बताओ, लंका में यहाँ कोई सती है? अरे कहा सती तो बहुत ही हैं, वैसे सती बहुत कहाँ ही, प्रथम सिलोचन का पदा है। वैसे तो सती तमाम ही है लंका में, लेकिन जो सबसे उत्तम सती है वो सुलोचना है। हनुमान जी का अलग हुआ जाए रहन, सुलोचना के आंगन में हनुमान जी खड़े भे। सुलोचना मैया बर्तन मांग रहे हैं, मांझ रहे हैं किचन में। यहाँ हनुमान जी खड़े भे तो सुलोचना ए, ए, कहा? हनुमान जी हाथ जोड़े कहा, माँ बेटा शरण में आया। सुलोचना आई, कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो? हनुमान जी फटाफट बताया, मैं राम जी का दूत हूँ, अंजनी का पूत हूँ, अयोध्या से आया हूँ। तो सुलोचना बोली, कहाँ कर आए हो, कोई जान जाई? अब पापा अजन मैं मुँह में कूच दिया। हनुमान जी बोले, कूच दिया है जब पही है तब तो कैसे कूच दिया है। तो सुलोचना बोली, क्या मतलब है? तो हनुमान जी बोले, तुम अपनी मांग के सिंदूर दे दो। अब सुलोचना चक्कर पड़ गए, सिंदूर दे दे। ए सुलोचना क्या करती है, सिंदूर निकाल निकाल के हनुमान को देने लगी। एक होते है निकार और एक होते है उतार। तो निकार उतार में कौन अंतर है भैया? जब औरत विधवा होती है तो उसका श्रृंगार उतारा जाता है, और जब ऐसे कहें बहनी आज हम जितनी माले आई माला दे दो, तो निकार कह लाओ बहनी तुमका निकार के यहाँ दे दे। तो निकार एक दिन जाते है खुशी में, यहाँ उतारा जाते है दुख मां। कह रहे आज तुम्हारा सबको सूर्या कड़ा उतारिए जाइ, ऐसा है ना, उतारना दुख की बात है और निकारना सुख की बात है। सुलोचना ने क्या किया, अपना सिंदूर देने लगी। क्यों देने लगी सुलोचना मालूम? सुलोचना समझती है कि मेरी बहन है सुनैना, और सुनैता के दामाद है राम, और राम का ये दूत है। जो मम बहिन सुनैना जानई अब हमसे हिया अनबन मानई, मम दामाद दूत युवा वा मांगे ऊपर सिंदूर ना पावा। बहन मिली तो कहीं बहनी रहो बहुनी की, हमारे दामाद का दूत गा रहा तो बहन तर सिंदूर नहीं दे रहा वहाँ, कमने काम करी हो बहन, यहाँ तो मनती है वहाँ, यहाँ मनती हो है, अतनी तो मूर्ति गा रहा है बेचारा, तनिक बात नहीं मैंने बरी गा या कौन बात ना है तुम। तो सुलोचना ने सोचा कि लाओ सिंदूर दे दी। ए सोच सुलोचन ने मन की ना, और सिंदूर सोची सोची दई दीना। आज हनुमान जी जब सिंदूर पा गए पहुंच गए, हनुमान जी चढ़ गए वृक्ष पर, तरु पल्लव मार रहा लुकाई, कर ही विचार करो का भाई, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए, कहा ला विचार कैले तब आगे कदम बढ़ाए। कोई काम करे चलो, बिना विचारे कोई काम ना करो, बिना विचारे काम करियो काम गड़बड़ा सकत। मान लो बेचारे कहे जैसे के भैया उत्तर पड़ रही कौन या कौन पूर्व पड़ रही है, तो ज्यादा मारे ऐसी वैसी अंगस बंगस ना, ये हेत्र खड़े हो जाओ और पहले विचार कर लो। लेकिन खड़े हो तो किनारे खड़े हो, नहीं कौन वही डी सी एम वाला ठोंक दी सूद है, विचारते ही रही हो तुम हुई हो विचारत, और की तो गिरी हो तो गिरी हो जा तालम तो हुई हो। गलत बताए भैया, तो किनारे खड़े हो। हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी बलवान, लेकिन बजरंगबली बाबा सोचे कि किनारे बिचारे, तो हनुमान जी ये बद विरव चढ़ के रहे। भवानी कहावो कि महाराज जो को इतना आगम जी का ज्ञान होए तो का बिचारा कौन काम है, लेकिन ना ना हनुमान जी सोचा विचार लो।
हनुमान जी फिर छप्पर चढ़ गए और बिना छप्पर चढ़कर प्रभु के राम हनुमान जी चढ़ गए वृक्ष पर भैया और अब बैठी थी हनुमान जी विचार कर रहे थे हम कहा करें कैसे क्या करें ये है वो है। इसी बीच में रावण आया था, रावण और सीता संवाद, इसके आगे की कथा कल दिन में।